आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें 30,000 केजी गुड़ लहन जब्त किया गया, जिसके अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए आकी गई। देखिए पूरी खबर। कोई भी आयोजन का कार्यक्रम हो जिसमें भाजपा के लोग जागरूक भी हैं या 14 से 15 साल की आयु में वर्ग को मतदान बना देते हैं, जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझ नहीं पड़ती। ग्राम में इतने भी साथी रहे कि पंचायत विधानसभा लोग चुनाव की मतदान सूचियों में नाबालिग के नाम जोड़ने से बाज नहीं आते। मैंने पिछले समय में सैकड़ों नाबालिग के नाम कटवा दिए। उक्त विचार पूर्व कैबिनेट मंत्री सोन कच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्य अतिथि बतौर परिषद के मांगलिक भवन परिसर में कार्यक्रम व मंडल सेक्टर बूथ स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा। आगे कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जागरूकता लानी होगी। न्यू व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भेंट, माफ कीजिएगा, न्यू युक्तियों के प्रमाण पत्र भेंट किए, जिसमें ग्राम खरेली जयपाल सिंह, श्री रुस्तम सिंह पटेल, चिड़ावद श्री हरपाल सिंह, बसंत सिंह, राजपूत टोंग, कला जितेंद्र सिंह आदि कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के देवास से राहुल झांझा की रिपोर्ट। तो अभी आज तक पकड़ के लाया, कहीं भी लाए, टुकड़े बट के फिर भी करवा रहे हैं। पर भैया काम थोड़ा बहुत काम चल रहा है, और वास्तविक हमें जो भैया ने ऐसी सौगातें दी हैं कि हम 10 साल तक अगले भी यदि लोग गिनाए बीजेपी के नेताओं को कि आज कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, तो बताने अगले 10 साल भी किसी के मई के लाल में अगला विधायक कोई आ भी जाए तो हमें दी औकात नहीं कि इससे ज्यादा काम कर पाए कोई भी। ये हर गाँव में कहीं ना कहीं है। आज मेरे गाँव की मैं बताऊँ कि मेरे गाँव में 5 तरफ सड़क बना रहे हैं, 3 तरफ तो भैया के कारण उधर की बन रही है, और 2 भैया ने सड़क दी है। तो खुद से भोरा सर जाके देखता हूँ तो मतलब मैंने दूसरे एरिया में ठेकेदारी करी है। मतलब इतना काम मतलब आधा एमपी का काम यहाँ पे, इसमें पैसे नहीं दे रहा हूँ शिवराज सिंह नाराज होकर। मतलब ये स्थिति है अपनी, अपन तो वो लोग हैं। और विधायक के नाम पर यदि देखा जाए तो सबसे यदि एमपी में किसी को इजी अवेलेबल विधायक कर सकते भैया रोज ही दिख जाते क्षेत्र में, ऐसे कोई दिन नहीं जाता भैया आज कहीं नहीं, आज सोनकर मिल जाए, टोक मिल जाए। उसके बाद में भी यदि अपन नर्वस होते हैं कार्यकर्ता यदि, तो अपने बहुत बड़े वो है कि बीजेपी में आज ऐसा कोई नेता आया, कोई भी कार्यकर्ता भाई क्षेत्र के सांसद देख ले, कोई भी देख ले, कि उनसे यदि भैया कोई काम बताते हम हल्के नहीं बांटते कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारा काम फिर भी ढंग के चौंक हो जाता है। तो मतलब ये कि हम भैया का हाथ मजबूत करें। अब इन जो पंचायती चुनाव है इनमें जिला है, जनपद है, और पंचायत लेवल पर अपनी टीम खड़ी करें तो भैया और थोड़े ऊर्जावान हो, मजबूत बने और हम मजबूत हुए। धन्यवाद। सहयोग करके और रोड आज पूरी होने को तरफ है, ये तो उसके लिए पहले बहुत संघर्ष करा था, रोड अखीर नहीं बनी थी। फिर भैया ने उसके लिए टेंडर लगवाया, जो मंत्री बने तो एक ठेकेदार भोपाल का आए थे, वो भी जगह नहीं मिलने के कारण कोई मोमेंट भाई थे हमारे सलीम भाई करके, वो भी भग गए। फिर इसके बाद में एक तराना साइड के अंजना के ठेकेदार आए थे, भैया ने कितना फॉलो करा उसके लिए मैं बताता हूँ आपके लिए। मेरे को हर तीसरे दिन टेलीफोन आता था कि तू इससे काम करा, इससे काम करा, वो काम नहीं हुआ ले जाओ रोड बना दो, पर वो ठेकेदार को फिर भी वहाँ रोड नहीं बना पाया कारण।